हेलो दोस्तों, मैं परमिता करती हूँ आप सभी का स्वागत आपके अपने यूट्यूब चैनल परमिता होम गार्डनिंग में। देखिए मेरे हाथ में आप ये बास्केट देख रहे हैं और हाथ पूरी तरीके से मिट्टी में हो चुके हैं, पूरी देखिए गंदे हाथ हो गए हैं बिल्कुल। दूसरा भी मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, क्योंकि हाथों का काम भी बहुत ज़्यादा होता है गार्डन में। और ये देखिए, ये छोटे वाली बास्केट है, इससे बड़े भी हैंगिंग आती हैं, हैंगिंग बास्केट। और ये मैंने अच्छे से इसमें ये ड्रेनेज कर लिया है, ड्रेनेज होल, जिससे हमारे बास्केट में पानी ना ठहरे। और इसको तैयार कर रही हूँ मैं पिटूनिया के लिए, पैंजी के लिए भी आप ये बास्केट तैयार कर सकते हैं। काफ़ी सारे प्लांट हैं जो आप इसमें लगा सकते हैं, डेंथस के लगा सकते हैं, कैनडोला लगा सकते हैं, और इस मौसम का वर्बीना लगा सकते हैं। बहुत सारे प्लांट हैं फ्रेंड्स जो आप इसमें लगा सकते हैं। बास्केट के बारे में जान लेते हैं कि किस तरीके से तैयार करनी है इनकी मिट्टी लाइट वेट में बिल्कुल पूरी तरीके से। तो देखिए फ्रेंड्स, इस मिट्टी में, ये मिट्टी मैंने इसके लिए तैयार की है, इसमें मैंने क्या क्या डाला है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। 50% आप इसमें कार्बन कंपोस्ट ले सकते हैं या वर्मी कंपोस्ट, और 20% आप इसमें मिट्टी का ले सकते हैं, और इसमें आप 10% सेंट का लीजिए, रेत का लीजिए, जिससे पोरस मिट्टी हो जाए। बाकी का आप 10% इसमें, जो आप लाइट वेट चाहते हैं तो इसमें आप जो कोकोपीट होती है उसको डाल सकते हैं। अगर कोकोपीट नहीं है तो आप सैंड और मिट्टी का थोड़ी सी मात्रा बढ़ा सकते हैं। और इसमें आप तकरीबन जो एक हैंगिंग के लिए बोल रही हूँ मैं आपको, और आप इसमें थोड़ा सा फंजीसाइड डाल लीजिए। मैंने देखिए इस वाले फंजीसाइड का उपयोग करती हूँ, दूसरे वाले भी आते हैं अच्छे, लेकिन साफ का रिजल्ट है बहुत अच्छा मिला है। तो एक हैंगिंग में, इतनी बड़ी हैंगिंग में, इससे भी थोड़ी सी बड़ी हो तो भी चलेगा, आप इसमें दो चुटकी से इस तरह से, ये देखिए इस तरीके से, ऐसे दो चुटकी जो होती है वो साफ की डाल सकते हैं। फंजीसाइड नहीं है तो आप हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं, हल्दी भी अच्छी होती है। हल्दी आप एक हैंगिंग में आधा चम्मच, छोटी आधा चम्मच डाल सकते हैं, और उसके साथ ही आप इसमें नीम खली का उपयोग कर सकते हैं। एक हैंगिंग में आप आधा चम्मच नीम खली इसमें डाल सकते हैं। तो चलिए, इसी मिट्टी मैंने तैयार कर ली है, ये देखिए कितनी भुरभुरी सी, कितनी अच्छी मिट्टी तैयार हुई है, ये देखिए फ्रेंड्स, ये ऐसे देखिए आप। और गमलों की मिट्टी थोड़ी सी, अगर हल्का सा वेट भी होगा उसमें मिट्टी की मात्रा हम बढ़ा लेंगे, बस यही थोड़ा सा हमें फ़र्क करना है। और इसमें साथ ही मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए, ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो डस्ट होता है जो अक्सर हमारे मकान बनाने में या फर्श डालने में यूज़ होता है, ये वाला डस्ट है, ये देखिए। इसमें आप एक हैंगिंग में तकरीबन इतनी मुट्ठी, ये देखिए, ये पूरी नहीं है, ये इतनी मुट्ठी आपको डाल लेनी है, आधा मुट्ठी एक हैंगिंग में डाल लेनी है। तो मुझे तो काफ़ी सारी बनानी है, इसलिए मैंने डाल दिया। तो चलिए कर लेती हूँ मैं हैंगिंग तैयार। तो देखिए फ्रेंड्स, बास्केट में इस तरीके की ये जूट की बोरी है, पूरी तरीके से आपको ब्लैक नज़र आ रही होगी, तो बारिश में ही ख़राब हो गई थी, मैंने बाहर ही छोड़ दी थी। और ये देखिए पूरी तरीके से डीकम्पोस्ट हो चुकी हुई है, ये देखिए। तो मैं इसमें इसको भी इस तरीके से कर लूँगी, क्योंकि ये भी हमारे जो आपके पास है तो अच्छा है, नहीं तो कोई बात नहीं है, लेकिन फेंकना नहीं है। जैसे ख़राब बोरियाँ हो जाती हैं जूट की तो हम उनको फेंक देते हैं, उसको इस तरीके से आप कंपोस्ट कर लीजिए और अपने उसमें बास्केट वगैरह, गमलों वगैरह में यूज़ कर सकते हैं। खासकर प्लास्टिक के जो गमले होते हैं उनमें ये जो ठंडक थोड़ी सी बनाए रखती है। ये मैंने देखिए हैंगिंग के ऊपर, ये जो दीपावली पे दिए आए थे वो मैंने इसमें रख दिया है ड्रेनेज पर, और इसी तरीके से इसको कवर कर लूँगी, ये देखिए यहाँ पर ये, और इसको भर लेते हैं मिट्टी से। तो देखिए दोस्तों, मैंने कर ली है ये हैंगिंग तैयार, और अब इनमें लगाने वाली हूँ मैं पिटूनिया। इसको कैसे तैयार करना है वो मैंने आपको बता दिया। अगर आपके पास कोकोपीट नहीं है तो सूखी पत्तियों का यूज़ कर सकते हैं। देखिए मैंने इसमें ये देखिए नीचे की तरफ मैंने इसमें काफ़ी सारी पत्तियों का यूज़ किया है, मैं आपको निकाल के दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये देखिए मैंने इसमें नीचे एक बार ये इस तरीके से आप
फिर से बता देती हूँ, ऐसे इसको रखना है और ऊपर से इस पर आप जितनी भी आपके पास पत्तियाँ हैं वो लगा देनी है, कवर कर देना है, देखिए इस तरीके से, और फिर मिट्टी भर लेनी है। उसके बाद ये हमारी हैंगिंग इस तरीके से तैयार हो जाएगी। अब हमें लगा लेना है इसमें पौधा। आप इसमें पेंजी साल्विया भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर इसमें आप पेंजी लगाएंगे और पेटूनिया वगैरह लगाएंगे तो काफ़ी अच्छा होगा। वर्बीना लगा सकते हैं, जरेनियम लगा सकते हैं, काफ़ी सारे प्लांट हैं जो आप हैंगिंग में लगा सकते हैं। ये बड़ी हैंगिंग है तो आप इसमें लगा सकते हैं। तो चलिए लगा लेते हैं प्लांट और देखना है कि किस तरीके से प्लांट को लगाना है। ये देखिए हल्का सा इसको इस तरीके से, बिल्कुल भी इसकी जो रूट हैं जड़ें हैं वो बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करनी है हमें, ऐसे करेंगे। और एक मिनट मुझे कैमरा रखना होगा फ्रेंड्स। ये देखिए मैं इस तरीके से आपको करके दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह से नीचे की साइड हमने ये लिया और हल्के से हाथ से ऐसे निकाल लिया। तो ये देखिए मैंने इसको निकाल लिया है और आराम से इस पर टिका देंगे। यहाँ पे ये आ गया है और इसका ये वाला जो पोर्शन है ये हमें थोड़ी सी ऊंचाई पे ही रखना है, क्योंकि पिटूनिया की जो स्टेम होती है ना वो थोड़ी सी नाजुक सी होती है और उसको गलने का डर होता है उसका, अगर पानी बराबर जाता है उसमें। तो थोड़े से इस पोर्शन को हम ऊँचाई पर रखेंगे, बाकी जो हमें मिट्टी से कवर कर देंगे इसकी जो जड़ें हैं। ये देखिए साइड में अगर पानी देंगे तो साइड में ही आएगा इसके। उसके बाद इसको 4 से 5 दिन तक छाया में रख लेंगे और फिर इसको धूप जहाँ आती हो 3 से 4 घंटे की तो वहाँ पे हैंग कर देंगे। इसके बाद इसमें पानी दे देंगे और हो गई है हमारी हैंगिंग तैयार। इसमें आप एक प्लांट और लगा सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं एक ही प्लांट लगा रही हूँ। तो ये थी आज की वीडियो में कुछ जानकारी। फिर मिलती हूँ आपसे किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक